स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम एमीटर को डिस्कस करेंगे कि ये कैसी डिवाइस होती है। एमीटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करती है कि किसी भी जगह पे हम एमीटर लगाएं, किसी भी सर्किट में हम जब एमीटर अटैच करते हैं तो हमें एमीटर बताता है कि उस सर्किट में से कितना करंट पास हो रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास एक और डिवाइस होती है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो है वो भी किसी भी पॉइंट से गुजरने वाले करंट को जो है मेजर करता है कि उस जगह से कितना करंट जो है वो पास हो रहा है। ठीक है, और उसकी जो रेजिस्टेंस है यानी कि गैल्वेनोमीटर एक पॉइंट से गुजरने वाले करंट को कितना रेजिस्ट कर रहा है, कितनी रुकावट पैदा कर रहा है उसके गुजरने में, उसे हम कहते हैं कि RG से उसे डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर के अपनी अंदर रेजिस्टेंस मौजूद है उसे हम RG से डिनोट करते हैं। और गैल्वेनोमीटर जिस पॉइंट पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास उसका स्केल है, ठीक है, ये उसकी वॉच है जिसमें मुख्तलिफ मेरे पास नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, करंट के, ठीक है, आई जो है करंट है, कि उसकी जो नीडल है वो जहाँ मैक्सिमम पॉइंट पे आएगी, मैक्सिमम जितने करंट पे आएगी उसे हम कहते हैं कि ये उसका मैक्सिमम करंट है। ठीक है, और उसे हम कहते हैं कि जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है उसने शो की है मैक्सिमम करंट IG पे। ठीक है, मैक्सिमम करंट IG से हम डिनोट करते हैं उस करंट को। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो IG है वो एक गैल्वेनोमीटर की रेंज भी होती है। ठीक है, कि कितनी रेंज तक एक गैल्वेनोमीटर करंट को जो है मेजर कर सकता है, कि कितने मैक्सिमम करंट को वो मेजर करेगा कि किसी सर्किट में से गुजर रहा है, जबकि हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कुछ अटैच नहीं किया हुआ। ठीक है, यानी कि हमारे पास सर्किट में सिर्फ एक करंट सोर्स मौजूद हो और वहाँ पे हमारे पास कोई भी डिवाइसेस मौजूद हो और गैल्वेनोमीटर हो, तो जो गैल्वेनोमीटर है वो मेजर करेगा कि किसी खास पॉइंट से हमारे पास कितना जो है करंट पास हो रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि उसकी जो रेंज है वो IG है, जो मैक्सिमम करंट है। ठीक है, अब देखें हम किसी भी सर्किट में यहाँ पे अटैच करते हैं अगर गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं शो करूँ कि एक मेरे पास सर्किट है जिसमें मेरे पास सिंपल एक बैटरी अटैच है और साथ ही उसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच है, तो अब देखें कि अगर तो इस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस RG बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर तो वो बहुत ज़्यादा होगी तब इसका मतलब है कि लेस करंट यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, जो करंट है वो यहाँ से कम गुजरेगा और उस कम गुजरने की वजह से करंट के हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है वो सही रीडिंग नहीं दे पाएगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है जो करंट है वो इतना ज़्यादा गुजर नहीं दे रहा गैल्वेनोमीटर। सही, तो दैट मीन्स कि जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है उसके जो रेजिस्टेंस है RG उसे कम होना चाहिए कि जो करंट है वो इजीली पास हो सके। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि देखें टॉपिक तो हमारा एमीटर है, डिस्कस हम गैल्वेनोमीटर कर रहे हैं और काम दोनों एक ही करते हैं, कि जैसे कि मैंने आपको बताया एमीटर भी करंट हमें मेजर करके देता है, गैल्वेनोमीटर भी हमें करंट मेजर करके देता है, तो इनमें फ़र्क कहाँ पे हुआ? देखिए, फ़र्क यहाँ पे आ गया कि जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है वो हमें बहुत छोटे करंट की मेजरमेंट करके देता है। ठीक, यानी कि किसी सर्किट में हम जब गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो बहुत छोटे करंट को वो मेजर कर सकता है, लेकिन अगर किसी जगह पे हमें ज़्यादा करंट को मेजर करने की ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पे अब हम क्या करेंगे? वहाँ पे तो गैल्वेनोमीटर नहीं काम कर सकेगा, क्योंकि अगर ऐसी जगह पे हम गैल्वेनोमीटर को लगाएंगे जहाँ पे आई यानी कि करंट हमारे पास ज़्यादा है तो उसके दो नुकसान होंगे हमें। एक तो जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे हमारे पास डिवाइस है जो बिल्कुल छोटे करंट को मेजर कर सकता है, और दूसरा नुकसान हमें ये होगा कि जो हमारी मेजरमेंट है वो ठीक नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है वो तो बिल्कुल थोड़े करंट को मेजर कर सकता है, तो जो हमारे पास मेजरमेंट आएगी वो बिल्कुल ठीक नहीं आएगी, क्योंकि हमें तो ऐसी डिवाइस चाहिए जो ज़्यादा करंट को मेजर कर सके। तो अब हम इस तरह करते हैं कि देखते हैं कि एमीटर जो है वो हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है उसी को हम यूज़ करते हुए एमीटर बनाएंगे। ठीक है, अब एमीटर गैल्वेनोमीटर से कैसे बनेगा? देखिए, उसका ये हल हो सकता है कि जहाँ पे हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, वो यहाँ पे फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है IG पे। ठीक है, फुल डिफ्लेक्शन IG पे कर रहा है और उसे हमने यहाँ पे जोड़ा हुआ है एक बैटरी से। ठीक, यहाँ पे जैसे कि मैंने बैटरी शो की है, तो अगर इसका करंट I है तो हम ये कर सकते हैं कि देखें IG पे फुल डिफ्लेक्शन हमारे पास गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है, तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी सर्किट ऐसा है जिसमें दो चीज़ें हमारे पास पैरेलल में लगी हुई हैं,
ठीक है, दो चीज़ें जो हैं हमारे पास पैरेलल में लगी हुई हो, कोई भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो करंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, करंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई आ रहा है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल I1 हो जाएगा, यहाँ पे I2 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास करंट पैरेलल में होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि जो पोटेंशियल होता है इन दोनों डिवाइसेस के अलोंग जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, यानी कि यहाँ भी V होगा यहाँ भी V होगा। तो इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे एमीटर बनाते हुए, कि देखें जैसे कि हमने गैल्वेनोमीटर को जोड़ा हुआ है बैटरी के साथ, ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि जो करंट आई है वो फुल का फुल हम मेजर कर पाएं। ठीक है, तो हम ये करेंगे कि जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, चूंकि उसके अंदर से IG करंट फुल डिफ्लेक्शन पे आएगा, तो हम ये करेंगे जो बाकी हमारे पास करंट बच जाएगा आई में से, वो हम एक और पाथ से गुजरवा देते हैं, यानी कि हम पैरेलल में कोई भी यहाँ पे रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, यानी कि कोई भी वायर फॉर एग्जाम्पल कॉपर वायर यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, जिसकी कोई रेजिस्टेंस होगी, कोई वो रुकावट शो करेगा करंट के फ्लो में, तो होगा क्या कि जो यहाँ से करंट बाकी बच रहा है गैल्वेनोमीटर की तरफ से वो यहाँ से गुजर जाएगा, यानी कि करंट जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दो हिस्सों में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम अटैच करते हैं रेजिस्टेंस उसे हम कहते हैं RS। ठीक है, यानी कि कोई भी वायर हमने अटैच की फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है उसे हमने कह दिया RS, और उसे हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, शंट से मुराद यानी कि बहुत थोड़ी रेजिस्टेंस है, ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट जो है यहाँ से पास हो सके, तो यहाँ पे जो हमारे पास करंट गुजरेगा उसे हम कहते हैं IS। तो IS हमारे पास कैसे आ जाता है, IS हमारे पास आ जाता है I-IG। तो अब अगर हम देखें तो ये जो पूरा हमारे पास ये एक हिस्सा आया है जिसमें हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर मौजूद है और एक शंट रेजिस्टेंस मौजूद है, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक एमीटर, जिसे मैं शो कर रही हूँ यहाँ ए से। ठीक है, ये एमीटर का सिंबल होता है, ठीक है, जिसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और ये सीरीज में लगेगा हमारे पास करंट सोर्स के साथ। ठीक है, ताकि जितना भी करंट इस सर्किट में से गुजर रहा है वो सीरीज में एमीटर लगाने की वजह से पूरे का पूरा हम मेजर कर पाएं कि यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, जहाँ तक तो हमने देख लिया कि जो गैल्वेनोमीटर है उसे हम एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैसे हम रेजिस्टेंस जो है अटैच करते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में, ताकि हमारे पास एमीटर वजूद में आए, और एमीटर जो है हम सीरीज में लगाते हैं सर्किट में, ताकि जो जितना भी करंट है वो इजिली हम मेजर कर सकें। तो यहाँ तक हमने फिजिकली जो है वो समझा, डिस्कस किया कि एमीटर क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो मैथमेटिकली फॉर्म है इस रेजिस्टेंस की, कि हमें कितनी रेजिस्टेंस यहाँ पे लगानी चाहिए पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ, कि हम एक स्पेसिफिक करंट जो है वो मेजर कर सकें एमीटर के थ्रू, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स के यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट है इस एमीटर का वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।